أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर से वीडियो में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे हर दुआ कबूल क्यों नहीं होती। आपकी खिदमत में गुजारिश करता चलूँ कि हम जो खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ करते हैं, कोई भी दुआ हो हमारी और हमारी ख्वाहिश और हसरत यही होती है कि हम जो भी दुआ मांगें वो खुदावंद मुताल की ज़ात जो है अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए, और हम दुआ भी करते हैं कि खुदावंद मुताल की ज़ात हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। लेकिन यहाँ पर आपकी खिदमत में गुजारिश करता चलूँ कि जो रवायात में वारद हुआ है, जो रवायात में बयान हुआ है कि हम जो हर एक दुआ मांगते हैं और हमारी हर दुआ कबूल नहीं होती, उनमें से बाज़ हो जाती हैं बाज़ नहीं होती, तो यहाँ पर आपकी खिदमत में गुजारिश करता चलूँ कि जो दुआ हमारी कबूल नहीं होती वो खुदावंद मुताल की ज़ात की बारगाह में कबूल ज़रूर हो जाती है, मगर हमारे लिए वो असर जो है वो नहीं दिखाती। हमें इल्म नहीं होता कि हमारी दुआ कबूल हो गई है, हमें ऐसा ही लगता है क्योंकि हमारा वो काम नहीं होता तो हम सोच रहे होते हैं कि हमारी दुआ जो है वो कबूल नहीं होती। हकीकत वो खुदावंद मुताल की ज़ात सुन भी रही है, देख भी रही है और हमारी दुआ को कबूल भी कर रही है, लेकिन जो हम मांग रहे होते हैं बाज़ दफ़ा वो हमारी नज़र में जो है वो बेहतर होता है, लेकिन खुदावंद मुताल की ज़ात उससे बेहतर आगाह होती है और हमें वो चीज़ या वो हमारी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती, उसका असर हमें इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि वो हमारे हक में बेहतर नहीं होती। और फिर रवायात में मिलता है कि अगर इंसान जब रोज़े माशर देखेगा कि जो उसकी दुआएं जो है वो दुनिया में कबूल नहीं हुई और उसका अजर जो है खुदाबंद मुताल की ज़ात जो है क़यामत वाले दिन अता करेगा, तो इंसान ये ख्वाहिश करेगा, ये हसरत जो है वो जाहिर करेगा कि ऐ काश कि मेरी दुनिया में कोई भी दुआ जो है वो कबूल ना होती। तो बहरहाल खुदाबंद मुताल की ज़ात हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए और हमें जो है बार बार उस की बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाए और दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मुल्तमिस हूँ, दुआओं में याद रखेंगे। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।